गाइस स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पे जिसका नाम है द गेम वर्ल्ड। एंड आज की वीडियो में गाइस डेफिनेटली ये जो वीडियो है ये है गेमिंग न्यूज एंड मच मोर। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा कट टू कट बात करेंगे और स्टार्ट करते हैं। आते हैं पहले पॉइंट पे, तो कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 6 अब सीधा लॉन्च होने वाली है एक्सबॉक्स गेम पास के ऊपर। एंड अगर आपके पास एक्सबॉक्स गेम पास का सब्सक्रिप्शन है तो आप इस गेम को ईजिली एक्सेस कर पाओगे। ना ही सिर्फ ये गेम, अब आने वाली एक्टिवेशन के एंड से जो भी गेम होगी वो सीधा एक्सबॉक्स गेम पास पर ही लॉन्च होगी। गाइस जब से माइक्रोसॉफ्ट ने एक्टिवेशन को पूरी तरीके से अक्वायर किया है ना, तो ये पहला गेम है तब से जो सीधा एक्सबॉक्स गेम पास पर लॉन्च हो रहा है। एंड इसको करने का सीधा सीधा एक ही रीज़न है, अपना सब्सक्रिप्शन बेस बढ़ाना और ढेर सारे पैसे कमाना है। नेक्स्ट पॉइंट पे, वार्नर ब्रोस एंड डिस्कवरी ने द लास्ट ऑफ अस सीजन 2 का फर्स्ट लुक जारी किया है। कुछ फोटोग्राफ्स बाहर आए जो कि आपकी स्क्रीन पे है। इसमें हम साफ साफ देख सकते हैं पेड्रो पास्कल को एज अ जोल एंड बेला रैम्से को एज अ एली। इसका जो सीजन 1 था भाई वो लिटरली हूबहू, मतलब जो लास्ट ऑफ अस गेम का पार्ट 1 है बहुत ही ज़्यादा मतलब सिमिलर था। एंड मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसके सीजन 2 के लिए। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, तो असैसिन क्रीड शैडो का ट्रेलर अभी लास्ट वीक ही आया था जो कि आउट ऑफ नोवेयर था, क्योंकि इस गेम के बारे में कोई अपडेट नहीं था, कोई भी मतलब कोई न्यूज़ नहीं थी, और फिर फटाक से एकदम ही बूम करके इन लोगों ने ट्रेलर डाल दिया। ये जो गेम है गाइस ये आएगा 15 नवंबर को। एंड यूबीसॉफ्ट प्लस प्रीमियम मेंबर जो हैं वो इस गेम को रिलीज़ होने से 3 दिन पहले ही एक्सेस कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, तो गाइस तब्बू जो कि हमें बहुत जल्द दिखने वाली है डून प्रोफेसी की सीरीज़ में, इस सीरीज़ में वो जो कैरेक्टर प्ले करने वाली है वो है सिस्टर फ्रांसिस का, जो कि एक मेजर रोल है इस सीरीज़ के अंदर। हालांकि इस बात की भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये सीरीज़ कब तक आएगी, लेकिन फिर भी यार इंडियन एक्ट्रेस को ना हॉलीवुड मूवी या सीरीज़ में देखने का एक अलग ही मज़ा है। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, तो गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक अब हमें जल्द ही पीसी में देखने को मिल सकती है। प्लेस्टेशन स्टोर लीकर बिलबिल कोनी जिन्होंने डिलेप्स को एक इंटरव्यू दिया जिसमें हम साफ देख सकते हैं कि वो किस और इशारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोनी सेंटा मोनिका ह्यूजली एक्शन पॉपुलर गेम विल सून लैंड ऑन पीसी। हालांकि डेट जारी नहीं थी, बट बिलबिल कोनी का मानना है कि अगले साल मई तक जो है वो पीसी में देखने को मिल जाए। नेक्स्ट पॉइंट पे, तो सोनी वालों ने ये रिवील करा है कि वैनम का जो न्यू पार्ट आने वाला है यानी जो उसका थर्ड पार्ट होगा वो एक लास्ट पार्ट होगा इस यूनिवर्स का। टाइम पहले सोनी मोशन पिक्चर के चेयरमैन ने डेडलाइन को इंटरव्यू देते हुए मार्वल की अपकमिंग फ्यूचर ट्रायोलॉजिकली जो उनकी मूवी जो कि अभी ऑफ स्क्रीन पर चल रही है आने वाली है, जैसे स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स और टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन, फैंस के लिए एक मेगा इवेंट होने वाला है। एंड इस मेगा इवेंट का हिस्सा होगी वैनम 3 यानी वैनम द लास्ट डांस। द लास्ट डांस जो है ये एक आखिरी मूवी होगी। एंड सीरियसली लेट्स सी और क्या है इनके पिटारे में भाई, बड़ा मज़ा आएगा। देखते हैं किस तरीके का कोलैप्स होता है वैनम टॉम हार्डी एंड टॉम हॉलैंड दोनों का, स्पाइडरमैन और वैनम का कॉम्बिनेशन कैसा रहता है, लेट्स सी। नेक्स्ट पॉइंट पे, तो गाइस माइक्रोसॉफ्ट बनाने जा रहा है खुद का गेम स्टोर टू बीट एप्पल एंड गूगल। एक्सबॉक्स प्रेसिडेंट सारा बॉन्ड ने ब्लूमबर्ग टेक्नोलॉजी इवेंट में कहा कि माइक्रोसॉफ्ट का मोबाइल गेमिंग स्टोर इस जुलाई में शुरू होने वाला है। बॉन्ड ने ये भी कहा कि दूसरी आउटलेट के लिए वेब स्टोर खोलने से पहले उनका प्लान ये है कि इसकी शुरुआत माइक्रोसॉफ्ट के खुद के गेम जैसे कैंडी क्रश सागा के साथ लॉन्च करने की थी। बॉन्ड ने ये भी कहीं ना कहीं हिंट दिया है कि माइनक्राफ्ट स्टोर फ्रंट भी शायद इसमें जल्द ही हमें देखने को मिल सकता है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, तो गाइस द लॉर्ड ऑफ द रिंग का नया पार्ट की अनाउंसमेंट की जा चुकी है जो कि हमें देखने को मिलेगा 2026 में। अभी कुछ टाइम पहले वार्नर ब्रो ने यह अनाउंस किया था कि आने वाली नई लॉर्ड ऑफ द रिंग मूवी का जो टाइटल है गाइस वो होने वाला है द लॉर्ड ऑफ द रिंग द हंट फॉर ग्लूम, और इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं एंडी सर्कस और इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे कैन कमिंस एंड जोनाथन कोविडेंस। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, तो भाई इंडियन हॉरर गेम कमला जिसके डेवलपर है मैड मंत्रा गेम्स, उन्होंने रिवील करा है कि अब ये गेम हमें बहुत जल्दी मिलेगा पीसी पर।
एंड इस गेम को पीसी प्लेयर के लिए स्टीम के थ्रू बाय और प्ले कर सकते हैं। इसका प्राइस होगा 600 रुपीज और ऊपर से 20% का डिस्काउंट भी। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, तो गाइस एल्डर रिंग का फर्स्ट एंड आखिरी डीएलसी अब हमें देखने को मिल सकता है क्या, जल्द ही आने वाला है। तो एल्डर रिंग का जो डीएलसी है उसका जो टाइटल है गाइस वो अनाउंस हो चुका है, उसका नाम है शेडो ऑफ द एट्री। 2022 को एल्डर रिंग गेम ऑफ द ईयर भी रह चुका है और इसके डीएलसी का बहुत बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था। फॉर्मर सॉफ्टवेयर ने हाल ही में इस डीएलसी का ट्रेलर डाला है और इसमें उन्होंने ये दिखाया कि प्लेयर्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या हमको इसमें देखने को मिलेगा। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, तो गाइस नेटफ्लिक्स ने वन पीस के सीज़न 2 का टीज डाल दिया है, जो जिससे साफ कंफर्म है कि अब जो वन पीस सीज़न 2 है वो कंफर्म हो चुका है पूरी तरीके से। आते हैं फाइनली अपने आखिरी पॉइंट पे, तो भाई इंग्लैंड के लेजेंड महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। कहा जा रहा है कोच ब्रैंडन मैकुलम और कप्तान बेन स्टोक के साथ एक मीटिंग में मैकुलम और स्टोक ने एंडरसन को रिटायरमेंट के लिए कहा ताकि आने वाले न्यू फेसेस को मौका मिले, और एंडरसन ने भी उनकी ये बात मान ली और अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। गाइस आज की वीडियो में इतना ही, होप कि आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड आप भी पूरी तरीके से अपडेट हो गए होंगे। तो फिर बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट गेमिंग न्यूज़ वीडियो में। एंड आपसे एक रिक्वेस्ट है यार, हम खेल रहे हैं वाइकिंग वैलहेला, तो प्लीज़ 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 मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लेलिस्ट में जाइए एंड उसके गेम प्ले को एंजॉय करिए, बहुत ही अच्छा गेम है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें एंड अपनी पूरी फैमिली का ध्यान रखिए गाइस, लव यू ऑल। और जाते जाते एक बात और, द लास्ट ऑफ अस 2 का पार्ट 1 डालने वाला हूँ, वो भी हिंदी में, बहुत जल्दी हिंदी में गाइस, हिंदी में।